गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत मैमिलियन एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस करने के बाद आज हम इंसेक्ट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा इन्वर्टिब्रेट्स के इस फाइलम को बिलोंग करने वाले एनिमल्स में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो एनिमल के ओवरऑल डेवलपमेंट और फिजियोलॉजी के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इंसेक्ट्स में मिलने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनको मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, ब्रेन की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या सेरिब्रल गैंग्लियंस। पर्टिकुलर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। दूसरी जोड़ी ग्रंथियां जो होती हैं उन्हें कार्पोरा कार्डियका कहा जाता है। नंबर थ्री, कार्पोरा एलाटा। एंड नंबर फोर इज एक डाइसल ग्लैंड या प्रोथोरेसिक ग्लैंड। सबसे पहले न्यूरोसिक्रेटरी न्यूक्लियाइज, ये मुख्य रूप से इंसेक्ट्स के सेरिब्रल गैंग्लियन वाले भाग में उपस्थित होते हैं। इनमें अलग अलग सेल्स के ग्रुप्स होते हैं जो न्यूरोसिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स में मीडियन सेल्स, लेटरल सेल्स, ट्राई सेरिब्रल सेल्स, सब इसोफेजियल सेल्स और इसके साथ साथ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ अदर गैंग्लियंस ऑफ वेंट्रल कॉर्ड ग्रुप्स में मिलती हैं, और ये सभी सेल्स जो होती हैं ये संयुक्त रूप से प्रोटोसेरिब्रल सेल्स कहलाती हैं। मीडियल सेल्स जो होती हैं मध्य रेखा के दोनों ओर समूह में स्थित होते हैं। इनमें से नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ये नर्व फाइबर्स आपस में क्रॉस करते हुए मिलकर के और पर्टिकुलर ग्रुप बना लेते हैं नर्व फाइबर्स का जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड कार्पोरा कार्डिका में प्रवेश करते हैं। इन तंत्रिका तंतुओं को NCC1 नर्वो कॉर्पोरिस कार्डिकाई के नाम से जाना जाता है। प्रेमस्तिष्क भाग में लेटरल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनसे भी तंत्रिकाएं निकलकर तंत्रिका तंतु बनते हैं जिन्हें NCC2 के नाम से जाना जाता है। ये भी कार्पोरा कार्डिका ग्लैंड में प्रवेश करते हैं। तीसरे प्रेमस्तिष्क भाग में स्थित कोशिकाओं के तंतु अलग से NCC3 के रूप में कार्पोरा कार्डिका में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं जो सेरिब्रल गैंग्लियन में उपस्थित होती हैं तीन छोटे छोटे समूहों या गुच्छों के रूप में कार्पोरा कार्डिका में प्रवेश करती हैं। कार्पोरा कार्डिका यहाँ पर न्यूरोहिमल ऑर्गन के रूप में काम करता है। इन सभी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं उनका संश्लेषण होता है, और ये ट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं इन्हें कार्पोरा कार्डिका में संग्रहित किया जा सकता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको रिलीज किया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड कार्पोरा कार्डिका, ये एक जोड़ी छोटी हल्के नीले से रंग के वेसिकल्स होते हैं और NCC1, NCC2 और NCC3 द्वारा जो भी सिक्रीशंस आते हैं वो जो भी तंत्रिका तंतु आते हैं वो इसी कार्पोरा कार्डिका ग्लैंड्स में आकर के समाप्त होते हैं। कार्पोरा कार्डिका ग्लैंड जो होते हैं ये पोस्टीरियर साइड में कार्पोरा एलाटा नामक ग्रंथि से जुड़ी रहती हैं। कार्पोरा कार्डिका से मुख्य रूप से एक हार्मोन स्रवित किया जाता है जिसे PTTH प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तीसरी जोड़ी ग्रंथियां जो हैं कार्पोरा एलाटा कहलाती हैं। यह वन पेयर होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ग्लैंडुलर पार्ट है जो कार्पोरा कार्डियका के ठीक नीचे ईसोफेगस के दोनों ओर उपस्थित होती हैं। इनके द्वारा सिक्रीट होने वाला हार्मोन जो होता है इसे नियोटेनिन या जुवेनाइल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे बाल हार्मोन भी कहा जाता है। चौथी महत्वपूर्ण ग्रंथि इंसेक्ट्स में मिलने वाली प्रोथोरेसिक ग्लैंड कहलाती है। यह प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो होती है इसे वेंट्रल ग्लैंड या ट्रेकियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफ्यूज टाइप की ग्लैंड है और इस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होने वाला हार्मोन जो होता है उसे एक डाइसोन हार्मोन कहा जाता है।
तो इंसेक्ट में स्रावित होने वाले ये जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके सिक्रीशंस हैं, ये मिल करके इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल को, उनके परिवर्धन को पूरे तरीके से नियंत्रित करते हैं। और यहाँ पर इंसेक्ट्स में भी ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, मेटामॉर्फोसिस, डाइपर्स आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मोल्टिंग, रिप्रोडक्शन, इन सब पर इन हार्मोन्स का नियंत्रण होता है और उसी के द्वारा इन सभी कार्यों को पूरी तरीके से एंडोक्राइन ग्रंथियों के द्वारा संपादित कराया जाता है। धन्यवाद।